कटिहार में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन है। पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की। इस बैठक में बिहार के प्रभारी मनसुख दिलशानिया, दोनों डिप्टी सीएम समेत प्रदेश महामंत्री, जिलाध्यक्षों समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 सालों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और 2024 के आम चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखला रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ डॉक्टर संजय जायसवाल मंच पर मौजूद है। और ये तस्वीर डिप्टी सीएम रेणु देवी भी नजर आ रही है। कटिहार से ये सीधी तस्वीर है, जहां बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। और 2024 में किस तरह से हुंकार भरना है, तमाम रणनीतियों पर जो है वो चर्चा होगी। गिरिराज सिंह के अलावा बीजेपी के जो तमाम प्रकोष्ठ के मंत्री है, कार्य समिति के जितने भी सदस्य हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो 2 दिवसीय बैठक जो है वो शुरू हो चुका है, और श्रेयसी सिंह भी नजर आ रही है। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी ये नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आपको दिखला रहे कटिहार की, ये सीधी तस्वीर। इसके अलावा जो तमाम दिग्गज है बीजेपी के, वो पहुंच चुके हैं और सभी दूसरे दिन भी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं कार्य समिति की बैठक में। बैठक का हालांकि आज दूसरा दिन है, और दूसरे दिन भी रामकृपाल यादव भी मौजूद नजर आ रहे हैं। और ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जी हमारे साथ लगातार कटिहार से लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। अशोक जी, कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है, हालांकि जो तमाम गणमान्य लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, चाहे जमुई विधायक श्रेयसी सिंह की बात करें, रामकृपाल यादव की बात करें, गिरिराज सिंह की बात करें, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, सभी मंच पर मौजूद है। बैठक है, इस सत्र में कई महत्वपूर्ण नेता और जुड़े हैं जो कल नहीं आ पाए थे, जैसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी है, यहाँ पे आए हुए हैं। और सब कार्य समिति की बैठक में ही आज जो कल प्रस्ताव पेश किए गए थे, उस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, और उसके बाद फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो बड़े नेता हैं, उन नेताओं का भाषण होगा, और उस भाषण के बाद इस कार्य समिति की बैठक समाप्त होगी। तो जैसा कि हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि इस कार्य समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि सीमांचल का जो इलाका है, इस इलाके में बीजेपी अपने जनाधार को जहां मजबूत करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर पार्टी संगठन में जो लोग उनको अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहती है, और उस स्तर पर पार्टी किस तरह से मजबूत हो, इसके लिए भी पार्टी प्रयासरत है। तीसरी जो बात है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी। हालांकि इस मामले को लेकर के पार्टी के जो नेता हैं वो अभी कुछ भी बोलने से थोड़ा परहेज करते हैं, और लगातार यह संकेत देती है कि बीजेपी लगातार अपना अभियान चलाते रहती है, और सिर्फ चुनाव के समय ही चुनावी अभियान नहीं चलाती। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के जो अन्य नेता हैं वो नेता चाहते हैं, एक बताइए जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनके एक ऐसी जिम्मेवारी दी जाए कि 2024 में अगर बिहार का जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसमें अगर किसी तरह की परिदृश्य है उसमें अगर किसी तरह की बदलाव भी आती है, तो उस बदलाव को बीजेपी एक तरह से पूरी तरह से अपने दम पर झेल सके, तो इसलिए बीजेपी ने एक तरह से तैयारी शुरू कर दी है लोकसभा चुनाव की। और यही वजह है कि आज अधिकांश दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी यहाँ पहुँचे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे सुनील चौधरी जो MLC हैं वो पहुँचे हुए हैं, और कई बड़े नेताओं का आगमन यहाँ पे हो चुका है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पार्टी के संगठन को तो एक तरह से मजबूती प्रदान करना, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 8 साल का कार्यकाल है उस कार्यकाल को आम जनता तक पहुंचाना, और तीसरी बात है कि बिहार में जो
गठबंधन की सरकार है, उस गठबंधन की सरकार में बीजेपी की क्या भूमिका हो यह सुनिश्चित करना, ताकि जो ऊहापोह की स्थिति है वह ऊहापोह की स्थिति न रहे और बीजेपी अपने दम पर बिहार में भी अपनी राजनीतिक हैसियत को और बढ़ा सके और अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको चुनौती दे सके। जी बिल्कुल अशोक जी, कल की अगर बात करें तो कल मोदी सरकार के 8 सालों की कह सकते हैं कि कार्यकाल जिस तरीके का रहा उसका खुशी भी जश्न भी मनाया गया और चर्चा भी हुई है। आज क्या कुछ खास होगा क्योंकि अभी से ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, दम भरा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा था कि बीजेपी अपना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी, तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी का जो अपना एजेंडा है उस एजेंडे पर तो वह चलेगी। दूसरी बात है कि 31 मई से लेकर के 14 जून तक यानी कि एक पखवाड़े तक बीजेपी ने अभियान चलाने का निर्णय लिया है और उसमें प्रत्येक नेताओं को 8 घंटे का टास्क दिया गया है प्रतिदिन कि वो जनता के बीच जाएंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, यानी कि हर बूथ पर बीजेपी के नेता पहुंचेंगे और मोदी सरकार के द्वारा जो भी काम किया गया है उस काम के बारे में जनता को बताएंगे। और दूसरी बात है कि जनता के दुख दर्द से सीधे रूबरू होंगे, यानी कि जनता के बीच जो कठिनाई है, आम जनता को क्या परेशानी है, उस परेशानी से रूबरू होंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए अशोक जी, हम पल पल की आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।